सोबोर अलेक्जेंड्रा नेवस्को को 1881 में बंधा गया है ये चर्च। हाँ, कुछ हादसा होना ही चाहिए, बिना हादसे के कुछ मज़ा नहीं आता है। अभी मेरे हैंडसेट पे स्क्रैचेस है जो कि रशिया में लगे हुए है, निजनी नोगोरोड यादगार स्क्रैचेस रहेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोन चर्च ऑफ द अजम्पशन ऑफ द मदर ऑफ गॉड। दोस्तों, मैं अभी ये ब्रिज है, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, कल रात को भी मैं यहाँ से गया था और ये काफ़ी खूबसूरत सा ब्रिज है, इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर से जा रहा हूँ। इस ब्रिज के ऊपर से मैं वहाँ पर सेंटर में रह के एक वीडियो निकालने वाला हूँ। और उस तरफ अपोजिट साइड में आप देख सकते हो एक सोबोर है, मतलब कैथेड्रल है, मतलब चर्च है, सब सेम ही है। सब लोग यहाँ पर भी चर्च, कैथेड्रल, सोबोर सब सेम ही बोलते हैं। और वो जो अलेक्जेंड्रा नेवस्कोस की है, वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। पैदल बहुत ही दूर है और एक ब्रिज क्रॉस करना है, उसके पहले ये ब्रिज क्रॉस करके आपको बेहद खूबसूरत एक शॉट दे देता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। आई एम सो एक्साइटेड टू शॉट ऑन दैट ब्रिज। दोस्तों, मैं ये ब्रिज के ऊपर है ना, ये Insta360 स्पेशली ऑन किया है अभी, और DJI Pocket 2 जो है वो मेरे बैग में चार्ज हो रहा है। मेरे पास ये दो ही कैमराज में मैं कैप्चर कर रहा हूँ सारे मूवमेंट्स, अपने मूवमेंट्स जो भी है, मज़ा आ रहा है। अभी ये वाला जो शॉट है बहुत ही उमदा आने वाला है, मैं इसको हर तरह से क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया शॉट आएगा। अरे रे रे, कोई बात नहीं, कल रात को इस तरफ की लाइन बंद थी, अब दोनों तरफ की लाइन्स बंद है। यहाँ पे रेलिंग लगा रहे हैं, नए नए रेलिंग्स लाके रख दिए गए हैं, मैंने सोचा वहाँ पर एक अच्छा शॉट ले लूँ, बट कोई नहीं, अभी बीच में से ही लेना पड़ेगा। हाँ तो चलो, सेल्फी स्टिक लंबा करने का टाइम आ गया है। ये शॉट कितना अच्छा आया रहेगा, बिकॉज मैं एक्चुअली फेंस के वहाँ पर खड़े रह के लेना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली कल रात को ये रेलिंग्स नहीं लगाए थे, एक तरफ के रेलिंग्स ओपन थे, वो टाइम पे मैं शॉट ले सकता था, बट अंधेरा हो चुका था, वॉज नो यूज़ फॉर मी। कोई बात नहीं, वहाँ पर चल के जाने के टाइम पे एक मस्त रनिंग शॉट ले लेता हूँ।
दोस्तों, ये सीढ़ियाँ उतर गया हूँ। यहाँ से काफ़ी शानदार व्यू है इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज का। एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर भी कितना अच्छा खर्चा किया गया है। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। ये चढ़ने के टाइम पे बहुत तकलीफ़ होती है। कल रात को मैं इधर से ही गया था ऊपर, और आज फिर से यहीं से जाना है। एक सेंटर शॉट ले लेते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। तो अभी अभी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे सेल पे ये स्क्रैच आ गया, देखो। आप सोचते रहेंगे इसने कहाँ गिरा दिया। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्क्रैच है, यहाँ पर एक है, अच्छा खासा गिरा है। ओह, यहाँ पर भी एक है, अच्छा खासा गिर गया है फ़ोन। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी ऊंचाई पर बैठा हूँ, कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक डेस्क है और मेरे पीछे है ये चर्च, सोबोर अलेक्जेंड्रा नेवस्कोगो। 1881 में बंदा गया है ये चर्च, और हालात कुछ बिगड़े हुए थे 20 के दशक पे, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उस ज़माने में गिल्डेड वुड्स, मतलब जो लकड़ियाँ थी, लकड़ियों से बनाया गया था ये चर्च। तो ये कहा जाता है कि ये जो लकड़ियाँ थी ये चर्च पे, वो पूरे सिटी को गर्माहट रखती थी। और मेरे पीछे ये सिटी है, देखो, निशनी नवगोरोड का एक पैनोरामिक व्यू मेरे पीछे है। मतलब मैं जब ये सीट पे बैठा था तो मेरे सामने ये व्यू एंजॉय कर रहा था मैं। मेरे पीछे ये ओका रिवर है, और जो ये चर्च है, चर्च के बाएं तरफ से जो रिवर आ रही है, नदी आ रही है, वो है वोल्गा रिवर। तो मैं निजनी नवगोरोड के एकदम सामने हूँ, और यहाँ से मुझे क्रेमलिन दिख रहा है, निजनी नवगोरोड क्रेमलिन दिख रहा है, वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज दिख रहे हैं। वैसे दो ब्रिजेस है, मतलब मैं सोचता था कि एक ही है, बट यहाँ पे और एक दिख रहा है। और यहाँ से वोल्गा शिपिंग, म्यूजियम ऑफ वोल्गा शिपिंग कंपनी भी दिख रहा है, जहाँ पर मैं लास्ट इवनिंग मैं वहाँ से ये व्यू देख रहा था। अब मैं यहाँ से उस तरफ का व्यू देख रहा हूँ, और यहाँ से भी क्लियर विजिबिलिटी है। यहाँ पर केबल कार भी दिख रही है, और काफ़ी अच्छा खूबसूरत गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं ये लोग। अभी थोड़ा बहुत काम चालू है बेसिकली। जब भी उस तरफ रहता हूँ मैं, ये हमेशा व्यू दिख रहा था, तो मैंने सोचा आज कर ही आते हैं, देख लेते हैं अंदर से बाहर से सब। और अभी अंदर तो मैं गया नहीं हूँ फ़िलहाल, मुझे बाहर से ही ये ब्यूटी काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड काफ़ी अच्छा चर्च है, मेंटेन अभी किया है, इसके लिए बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और आई होप आपको ये टाइम लैप्स इसके पहले पसंद आया हो। मैंने पूरे 11:30 मिनट का टाइम लैप्स रखा था, मैंने हाइपर लैप्स रखा था, आई मीन टू से हाइपर लैप्स के लिए जो मेहनत लगी, पूरा पसीना पसीना निकल गया। अभी ऐसे लग रहा है कि जैकेट उतार दूँ, बट थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इवन दो धूप है, फिर भी ठंडा ठंडा मौसम है यहाँ पर, एकदम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और हाँ, मैं भूल गया कि चर्च के ठीक सामने अलेक्जेंडर नेवस्की का एक पुतला भी है, घुड़सवार होते हुए एक पुतला है, काफ़ी शानदार, बहुत बड़ा पुतला है। जस्ट लाइक उनको देखकर मुझे अपने मुंबई के कुछ हिस्सों के शिवाजी महाराज जी के पुतले याद आ गए,
जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, और दादर में शिवाजी पार्क में जो शिवाजी महाराज जी के पुतला है, स्टैचू है, उनका ही झलक आया मुझे तो। यहाँ पर ऐसे लगा कि भाई शिवाजी महाराज जी का ही पुतला है। एनीवेज बहुत अच्छा है ये स्टैचू, ये चर्च, ये जो बाग है। बैठने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट्स भी की है, यहाँ पे आप ऐसे धूप को सेकते हुए आराम से बैठ सकते हो। कुछ यहाँ पर ऐसे टॉवर्स बनाए गए हैं सिटी व्यू एन्जॉय करने के लिए। मुझे उस तरफ से दिख नहीं रहा था, तो मैं ये एक ऐसे ही टॉवर पे बैठा हूँ। ये सीट है, मेरी बैग है, और मैं ये लकड़े के बेंच पे बैठा हूँ। मेरा सेलफोन जो कि है मेरे जैकेट पॉकेट में था इस तरह से, और डायरेक्ट नीचे गिर गया। कोई कोई मौका ही नहीं मिला उसको पकड़ने का, या तो फिर ये इधर ही गिरता तो अच्छा रहता था। बट मुझे लगा भी गया, ऐसे लगा कि बाउंस होके डायरेक्ट ये पानी में चला जाएगा, बट थैंकफुली बच गया फ़ोन। अभी मैं जिप लगा देता हूँ मैं जैकेट का। हाँ, कुछ हादसा होना ही चाहिए, बिना हादसे के कुछ मज़ा नहीं आता है। अभी मेरे हैंडसेट पे स्क्रैचेस है जो कि रशिया में लगे हुए हैं, निजनी नोगोरोड, यादगार स्क्रैचेस रहेंगे। जब भी मैं रिटर्न जाऊंगा तो याद रहेगा कि ये स्क्रैचेस यहाँ पर गिरे थे करके। और टाइम लैप्स लेने के टाइम पे मैं जब चल रहा था, थोड़ा तेज़ी से चल रहा था मैं, और उस समय ब्रिज पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, और मेरी कैप कहीं उड़ ना जाए, तो मैं इस तरह से शूटिंग कर रहा था, ये कैप पकड़ के मैं आगे बढ़ रहा था। और बिहाइंड द सीन्स बता रहा हूँ, जस्ट दैट्स इट। मेरा एक हाथ कैप को पकड़ा हुआ था और एक हाथ कैमरा पकड़ के रखा था बस। ओका नदी और बोलगा नदी संगम। चर्च के आसपास जितना भी एरिया है वो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन चालू है। जो मेरे पीछे ये फेंसिंग लगाया हुआ है, ये फेंसिंग के उस तरफ कुछ अच्छे खासे शॉप्स होने वाले हैं, कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट एनहांस करने की कोशिश चालू है अभी। मतलब ये बहुत तेज़ी से काम चालू है, एंड वहाँ पर सारे ट्रैक्टर्स, जेसीबीज, वो सब वर्किंग चालू है वहाँ पर। और चर्च के ठीक सामने एक्चुअली एक बेल रखा गया है। आइए चलते हैं, वो बेल की तरफ जाता हूँ मैं, आपको वो बेल का डिज़ाइन दिखा देता हूँ। लगभग 4 मीटर ऊंची बेल है वो। ये चर्च का फ्रंट साइड है, और फ्रंट साइड में ही उस तरफ से एंट्रेंस है सामने की तरफ से, और वहाँ से एंटर करते करते ये जो एक चर्च का अट्रैक्शन दिखेगा, मतलब चर्च का मेन फ्रंट साइड दिखेगा, और ये रहा वो बेल। एक काम करता हूँ, मैं अपना सेल्फी स्टिक निकालता हूँ और ऊपर से शॉट लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची बेल है और इसे बजाया भी जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो उस तरफ जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, मतलब ये ऑपोजिट साइड पे ये रिंग करते हैं, ये बेल बजाते हैं ये। तो ये सिर्फ एक नमूना नहीं है, ये रियल बेल है। जब बजता रहेगा तो पूरे शहर को सुनाई देता रहेगा, इतना बड़ा बेल। इंटरेस्टिंग। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी वैसे, इसके लिए आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, बट एक्सप्रेस कर पाऊंगा कि ढेर सारे जीसस क्राइस्ट के और बहुत सारी स्टोरी है वहाँ पर। बट वो स्टोरी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, मैं कोशिश कर रहा था कि क्या है क्या नहीं,
क्राइस्ट जब छोटे बच्चे थे, वो तो हर जगह पर चर्च में देखने मिलता ही है, वैसे सब था। बट अलेक्जेंड्रा नेवस्को को रिलेटेड कुछ स्टोरी है क्या? मैं जानने की कोशिश कर रहा था, ये चर्च के अंदर गया तभी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ समझा नहीं। वहाँ पर कोई इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखा है, और वैसे भी क्रिश्चियन वर्ड्स थोड़े अलग रहते हैं, तो मुझे समझने में भी मुश्किल हो जाती थी। बट जो अंदर की खूबसूरती मैं बताना चाहता हूँ कि जो दीवारें हैं, दीवारों को लगकर ही वुडन कार्विंग किए हो गए हैं। बहुत अच्छी कार्विंग है अंदर, बहुत ही खूबसूरत से आर्टिस्टिक वर्क किया गया है, बारीकी से वर्क किया गया है। चारों ओर जो दीवारें हैं उसको वुडन फिनिशिंग दिया गया है, अच्छा खासा पॉलिश है। हर एक वुड का एक अलग अलग कलर का पॉलिश है, मतलब डार्क टीक वुड टाइप है, कुछ अलग अलग वुड्स है थोड़े बहुत, और बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब टोटली 2 माले के पूरे ऊपर तक वो एक ही लकड़ा यूज़ किया है और पूरा कार्विंग किया गया है। उसमें छोटे छोटे फ्रेम्स बिठाए गए हैं, मीडियम साइज़ के, एकदम भी छोटे नहीं है। तो कुछ इस तरह से अंदर खूबसूरत डिज़ाइन है, आर्ट है, एंड रिलीजियस फील है अंदर, काफ़ी सन्नाटा है। मेरे जूते के काफ़ी आवाज़ आ रहे थे मतलब, और मेरा पैंट भी जब वॉक कर रहा था, जो फ्रिक्शन हो रहा था पैंट का, वो भी आवाज़ आ रहा था, बाकी किसी का कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था। अच्छा लगा अंदर जाके, रिलीजियस प्लेस है अगेन, एंड बहुत ही सुकून लगा अगेन। जो मेरा जो हॉस्टल है उसके अपोजिट साइड में मैं जाके आया, जो एक चर्च था वहाँ पर, वो करके वापस चलते चलते 7.5 किलोमीटर दूर यहाँ पर आ गया मैं। और यहाँ पर धूप अच्छी है, इसके लिए मुझे हॉस्टल जाने का मन नहीं कर रहा। और यहाँ पर कुछ बच्चे लोग के खेलने का एक अच्छा सा डिज़ाइन किया गया है, मतलब ये डिज़ाइन का मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको। मेरे परसेप्शन से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इस तरह से है कि ये एक जहाज़ है, लकड़े का जहाज़ बनाया गया है ताकि बच्चे लोग को थोड़ी गर्मी महसूस हो जाए अंदर, थोड़ा वार्म फील हो जाए। लकड़े से ठंड थोड़ी कम लगती है, लकड़ा हीट वार्म क्रिएट करता है। तो ये जहाज़ बनाने का रीज़न ये है कि बाजू में ही नदी है, वोल्गा नदी, बहुत सारे शिप्स वहाँ से गुजरते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं, प्रीमियम नहीं, मतलब छोटे मीडियम साइज़ के क्रूज़, एंड ये उसी का एक रीज़न है कि थोड़ा बहुत पायरेट्स जैसा बनाया गया है, पायरेट ऑफ द कैरिबियन टाइप। ये अच्छा है, मतलब स्लोप्स है, सीसॉ है, और कुछ एक्सरसाइज करने के लिए है। ये बंजर सी ज़मीन है अभी भी, इस पे कुछ ना कुछ काम चालू है, इनका कारीगरी चालू है। तो और सामने एक फुटबॉल स्टेडियम है, नाम मैं लिखित में दे दूंगा क्योंकि मुझे देख कर मेंशन करना पड़ेगा, और मैं ये फुटेज वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं कट नहीं करना चाहता ये शॉट। तो अच्छा खासा है, यहाँ पर बच्चे लोग के लिए पार्क है। ये अभी अभी बनाया गया है, ये रिसेंटली बनाया गया है, ये पहले नहीं था। तो यहाँ से भी बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है ये चर्च का। अभी इस चर्च को अलविदा कहना पड़ेगा, मैंने बेल कवर कर लिया, वो स्टैचू कवर कर लिया, प्ले एरिया कवर कर लिया, चर्च के अंदर भी जाके आया। Thank you.
सिटिंग अरेंजमेंट करने का काम चालू है। लकड़े के बेंचेस लगा रहे हैं यहाँ पर, लोग बहुत ही काम कर रहे हैं अच्छे से। ये लोग ने मुझे हाय किया, इनका जेस्चर्स अच्छा लगा मुझे। बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से यार, मतलब यहाँ पर जो बैठने के लिए जो बना रहे ना, अमेजिंग व्यू है। मतलब व्यूअर्स स्पेक्टेटर्स के लिए ये फ्यूचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी बनने वाली है, और सिर्फ यहाँ पर बैठ के व्यू एंजॉय करने के लिए इतना सारा खर्चा कर रहे हैं निजनी नवगोरड गवर्नमेंट, सिर्फ बैठने के लिए। मतलब अपने यहाँ पे जो मुंबई में जो ये मरीन ड्राइव के लिए हमने पत्थर वगैरह डाल के रख दिए, अच्छे खासे पत्थर वाली सिटिंग अरेंजमेंट की है, उसी तरह यहाँ पर पूरा का पूरा ये लकड़े का बेंच वगैरह बना रहे हैं ये लोग। और जो यहाँ से ब्रिज और वो सामने वाला चर्च का व्यू आने वाला है, माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल व्यू रहने वाला है। और वहाँ से भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा ऐसा लगेगा कि लाइव स्टेडियम लगाया गया है। मतलब स्टेडियम पे भी इतना खर्चा नहीं होगा, इतना खर्चा ये सिर्फ और सिर्फ फ्री बैठने के लिए ये लोग खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। द हिस्ट्री ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोन चर्च ऑफ द अजम्पशन ऑफ द मदर ऑफ गॉड ऑन द एलिजा माउंटेन इज कनेक्टेड विद द नेम ऑफ द मर्चेंट एंड स्टेट्समैन ऑफ निजनी नवगोरोड अथनेशियस ओलिजोव। ये वो चर्च है। ऐसे जितने भी चर्च है ना यहाँ पर रशिया में, जितने भी चर्च है उसके बारे में ऐसी कुछ जानकारी ऐसे लिखा गया है एक बोर्ड पर। मतलब हर एक चर्च का इतिहास, सब का इतिहास लिखा गया है कि कौन से साल के दौरान ये चर्च बांधा गया है, ये चर्च का रीज़न क्या है बांधने का, ये कहाँ पर लोकेटेड है, और बहुत कुछ जानकारी है इस चर्च के बारे में, ऐसे सभी चर्च के बारे में। मतलब या तो फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस हो या हिस्टोरिकल प्लेस हो। यहाँ पे बहुत सारे स्पैरोज है, काफ़ी अच्छा साउंड कर रहे हो लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि ये सारी की सारा, मतलब पूरा का पूरा इतिहास उसके बारे में, वो हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। मतलब अच्छा है कि जो भी है वो पढ़ सकते हैं। बट कई सारे जगहों पर जो ज़्यादा फेमस जगह है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज में ही लिखा गया है। अभी यहाँ पर तो मुझे इंग्लिश में पढ़ने मिला, इसके लिए मैं कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए पढ़ के लिया। मतलब आप भी समझ सकते हो कि ये चर्च के बारे में क्या मालूमात मैं आपको शेयर कर रहा था। तो धूप अच्छी है आज, इसके लिए सनग्लासेस निकाले मैंने। थोड़ा आँखों में जब हवा जाती है तो आँख दर्द करने लगते हैं। यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा आँखों में चली जाती है, चुभती है आँखों में, पता नहीं है। मतलब मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता आँखों में थोड़ी भी हवा जाती है तो, बट धूल नहीं जाती है, फ्रेश एयर है, बट फ्रेश एयर भी आँखों को चुभ रही है। बच्चा देखो, बच्चे का हेयर स्टाइल तो भाई माशाल्लाह। आज यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे लोग दिखे मुझे, अकेले जा रहे, हाथ में सेल फोन है, वीडियोस देखते देखते जा रहे अपने स्कूल अपने क्लासेस के लिए, अच्छी बात है। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ, और हॉस्टल में अभी तक लंच नहीं किया मैंने। बजे है कुछ, कितने बजे है भाई, 3:06 हो गए, मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा पोक्रोवस्काया स्ट्रीट में, बोल्शाया पोक्रोवस्काया स्ट्रीट, जो मैं जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर काफ़ी अच्छा है, जो थोड़ा बहुत मॉस्को के अर्बट स्ट्रीट जैसा माहौल है वहाँ पर। बट अर्बट स्ट्रीट है बस, मॉस्को का अर्बट स्ट्रीट तो वो कहीं पर भी रंग नहीं ला सकता, अर्बट स्ट्रीट का बहुत बहुत पुराना इतिहास है। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। सी यू देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड शीघ्र मुलाकात होगी। अलविदा दोस्तों, खुदा हाफिज़, शबा खैर, दसवीं दानिया, बाकी सब बहुत बढ़िया है।